ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए फ्रेंड्स। सो आज हम एक नो कॉन्टैक्ट पे वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स आई एम सॉरी, कुछ दो तीन दिन से बिल्कुल वीडियो नहीं आ रहा है और थोड़ा कम भी हो गया है वीडियो मेरे चैनल पे। कुछ काम थे, कुछ चीज़ें थी जिसको करना बहुत ज़रूरी था, जिसकी वजह से ये डिले हुआ। सो ऐसा कुछ प्लान्ड नहीं था कि जान के डिले करना है, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर रहूँ अपने चैनल पे और आप लोगों को प्रॉपर रीडिंग्स देते रहूँ, करते रहूँ अपनी तरफ से, कोई कमी ना आए रीडिंग्स में। क्योंकि ये फ्री रीडिंग्स होती हैं, एटलीस्ट जो पे नहीं कर सकते वो तो देख पाएँ, ठीक है। सो ये एक जनरल रीडिंग होगी सन एंड मून साइन के अकॉर्डिंग, और जितने आपसे रेजोनेट हो उतने ही अपने ऊपर लीजिएगा। और जो भी आज नए लोग जुड़े हैं या पुराने लोग हैं, देखते हैं रीडिंग्स, बट प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं करे हैं, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिलता है। और बाकी आप से एक और बात कहनी है कि पर्सनल रीडिंग्स फ्रेंड्स पेड होती हैं। कुछ लोग अभी भी आते हैं, कहते हैं मैम प्लीज़ कर दो। देखिए मुझे आपको मना करना बहुत अजीब लगता है, सो इस बात को समझें, ठीक है। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सो एरीज राशि सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रेंड्स आपसे रीडिंग, और ये है पहले आपकी फीलिंग्स इस रिलेशनशिप में जो चल रहा है आपकी लाइफ में। सो क्या है फिलहाल नो कॉन्टैक्ट में आपकी सोच? नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। सो एरीज राशि देखिए, आप कुछ ऐसा सा सोच रहे हैं कि अब मैंने ये जो रिलेशनशिप छोड़ा है या जो ख़त्म करा है, उसमें एक ऐसा मकाम आ गया है कि यहाँ तो यहाँ से मेरा रिश्ता एक अच्छे लेवल पे पहुँच जाएगा, या फिर एक ऐसा लेवल आ जाएगा जहाँ पे ये रिश्ता बिल्कुल ही टूट जाएगा, जो मुझे दिख रहा है। क्योंकि एक तरफ तो नाइट ऑफ कप्स आ गया और दूसरी तरफ आ गया किंग ऑफ सोर्ड्स। सो दो अलग अलग सोचों में आप जा रहे हो। कहाँ तो आप सामने वाले को अपनी लाइफ से कट करने के बारे में सोचते हो, और कहाँ आप नाइट ऑफ कप से। मुझे ऐसा दिखता है कि इस नो कॉन्टैक्ट में अब आप एक नई जर्नी पे निकलने वाले हो, एक नई सोच, एक नई शुरुआत में। जो पीछे हो गया हो गया, बट फिलहाल मुझे ऐसा दिख रहा है आप अब इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं एक अलग ही लेवल पर निकलने की तैयारी बना रहे हो। मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है, बहुत ही मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपको लग रहा है या तो मैं इस पर्सन के साथ ज़बरदस्त लेवल पे ग्रो कर जाऊँगा, या फिर जो भी मेरा और इसका डिस्प्यूट हुआ है वो एक अलग लेवल पे जाएगा। क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ खुली रहे, आपके पास ऑप्शंस रहें, आपके पास वो सारी चीज़ें रहें जिसमें आपको कोई नुकसान ना हो और आप बेनिफिट में रहें, ये दिख रहा है मुझे। सो आप अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग इस रिलेशनशिप को, इस नो कॉन्टैक्ट को डील करने वाले हैं। कोई बहुत ज़्यादा मुझे आप स्ट्रेस लेते नज़र नहीं आ रहे। अब ये जिन भी एरीज से मैच कर रहा है, देखिए वही ले। ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में जितने एरीज हैं उन सब के लिए यही होगा, ठीक है। तो उस चीज़ से सोचें। अब आते हैं आपके पार्टनर की तरफ से, तो क्या सोचते हैं वो, क्या सोचते हैं, क्या है उनके दिमाग में इस नो कॉन्टैक्ट में एरी। ओके, सो क्या आता है देखते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स रीडिंग आपकी एरीज, आपके पार्टनर की यहाँ से शुरू होती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड टेम्परेंस, ब्यूटिफुल। सो अगर एरीज आपके पार्टनर हो गए थे बिल्कुल अकेले और उन्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि उनके साथ ये लाइफ में हुआ क्या है, उन्हें बहुत अलोन फील हो रहा था, उन्हें बहुत अबैंडन फील हो रहा था, पहली बात तो उन्होंने अभी अपने आप को एक ऐसे लेवल पे ले आए हैं, एक ऐसी सिचुएशन में ले आए हैं जहाँ पे बहुत अपने आप को एक अच्छा फील कर रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि वो मतलब आपसे बात नहीं करना चाहते या बिल्कुल सोच नहीं रहे। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जल्द ही आपको कोई ना कोई कम्युनिकेशन ज़रूर भेजने वाले हैं एरीज, सो बी वेरी रेडी। अब ये कम्युनिकेशन किस तरह का होगा, क्या होगा, ये तो अभी कहना पॉसिबल नहीं है, बट मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि बहुत अच्छा एक कम्युनिकेशन होने वाला है। एक ऐसा कम्युनिकेशन जहाँ पर आपको ये दिखेगा कि वो कितने बैलेंस्ड तरीके से आपसे बात कर रहे हैं, शायद वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अब आपको दिखने लगेंगी। जो स्ट्रेंथ उनके पास अब तक बिल्कुल भी नहीं थी, अचानक से आपको दिखने लगेगा कि इस इंसान में इतनी स्ट्रेंथ कैसे आ गई, ये तो अभी तक बहुत ढीली बातें करता था, ये तो बहुत हल्का इंसान था। तो इस तरह का मुझे ऐसा दिख रहा है कि उस इंसान के अंदर एक डिफरेंट ही पैशन, डिफरेंट ही स्ट्रेंथ, डिफरेंट ही आउटलुक आ जाएगा अभी फ़िलहाल। जहां आपको लग रहा था कि ये इंसान बिल्कुल रिलेशनशिप से निकल रहा है, वहां अभी वो निकलता हुआ नहीं, आपको एक नए ही रूप में नज़र आने वाला है इन द अपकमिंग वीक। सो बी वेरी रेडी फॉर दिस न्यू चेंज अपने पार्टनर के अंदर जो आने वाला है। किंग ऑफ पेंटेकल्स है तो वो अपने ऊपर पूरा फोकस करे बैठे हैं, पूरा एक ऐसा दाव खेलने वाले हैं, एक ऐसी चीज़ करने वाले हैं आपकी तरफ। अगर कम्युनिकेट भी करेंगे ना तो बहुत तरीके से आपकी तरफ आएंगे और बहुत तरीके से इस बात को रखेंगे, इस बात को कहेंगे। सो आपको बहुत सोच समझ के, बहुत दिमाग लगाकर आगे चलना है, ठीक है। सो ये है आपके पार्टनर की इस नो कांटेक्ट में रीडिंग एरीज राशि। आइए देखते हैं क्या डिवाइन आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या आपको करना चाहिए अभी फ़िलहाल। अब जिस भी फेज़ में हैं उस फेज़ के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या बोलना चाहते हैं। सो ट्रायम्फ एंड सक्सेस का कार्ड आया, कहीं ना कहीं नंबर वन जीत का कार्ड आया है। सो हो सकता है कि आपके पास कहीं ना कहीं एक जीत आने वाली हो आपकी लाइफ में और आप शायद उसके बहुत पास हो। दूसरा देखें क्या आया है, नंबर 7 डिसेप्शन एंड एनवी का, एंड नंबर 14 1+4=5 चेंज पेशेंस का। सो बदलाव लाना पड़ेगा आपको अपनी अप्रोच में, अपनी सोच में, चीज़ों में, आउटलुक में। मैंने कहा ना आपके पार्टनर आपके तरफ बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक नया चेंज भेजने वाले हैं, सो बी रेडी फॉर दैट चेंज। अब वो चेंज किस तरह का होता है, उनकी बिल्कुल पर्सनालिटी से अलग होगा, ये चीज़ याद रखना आप जो भी वो करने वाले हैं। प्लस जो भी डिसेप्शन एंड एनवी जिस भी तरफ से हुई है वो चीज़ एकदम ख़त्म होने वाली है इस रिलेशनशिप में। अगर आपने की है तो आपकी तरफ से बिल्कुल बैन हो जाएगी अब वो चीज़, और अगर उन्होंने की है सो टोटल स्टॉप लगने वाला है। सो ये चीज़ बहुत क्लियर नज़र आ रही है अब कार्ड्स में, और डिवाइन ने तो अपनी तरफ से पूरा बिगुल भिजा दिया है इस चीज़ का, ठीक है एरीज। सो ये थी फ्रेंड्स आपकी रीडिंग, होप आप इससे कहीं ना कहीं रेजोनेट कर पाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, रीडिंग को लाइक करें, पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।